अस्सलाम वालेकुम, स्टिचिंग एंड कटिंग चैनल में खुश आमदीद। आज हम आपको बहुत ही खूबसूरत और यूनिक स्टाइल में ट्राउजर बनाना सिखाएंगे। बहुत खूबसूरत ये ट्राउजर डिजाइन है, आपको जरूर पसंद आएगा और सिंपल सा ट्राउजर डिजाइन है, आप किसी भी फंक्शंस पर इसको पहन सकते हैं। तो ये मैंने एक पत्ता सा इसको कह लें, एक आप गोल सा गोल सी शेप में ये मैंने कट किया है। आप इस तरह से इसकी विड्थ और इसकी लेंथ लें। 1 इंचीज मैंने इसकी, देखें की मैंने विड्थ ली है और इसको इस तरह से मैं फोल्ड करूंगी। फोल्ड करने के बाद यहाँ से यहाँ पे मैं रखूंगी, ये देखें, इसको ओपन ही करके यहाँ पे रख के, तो मैं पेपर पट्टी के ऊपर, ये स्टफ पेपर पट्टी है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। आप नॉर्मल पेपर पट्टी भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक ये गुंबद सा बन गया है, यहाँ पर ये रख के तो मैं इसका ये निशान बना लूँगी। यहाँ पे ये बिल्कुल इसके साथ साथ करके तो आपने निशान लगाना है। ज्यादा नीचे नहीं करना, ना ही इसकी ज्यादा नीचे वाली साइड पे इसकी वी बनानी है आपने, इस तरह से। पेंसिल या चॉक की मदद से आप इसके निशान लगा लें सारे। ये जो डिज़ाइन आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ, ये आप दामन पे भी बना सकते हैं, स्लीव्स पे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको ट्राउज़र पे बना रही हूँ। तो ट्राउज़र पे भी ये बहुत प्यारा लगता है डिज़ाइन, और बनाने में भी ये बिल्कुल आसान है। जो बिल्कुल बिगिनर हैं वो तो आसानी के साथ इसको बना सकते हैं, और एक्सपर्ट के लिए तो फिर ये है ही बहुत ज़्यादा आसान। इस तरह से आप इसको गोलाई में करते जाएं। और ये मैंने एक कट कर लिया है, ये देखें, एक ट्राउजर का एक पैंचे का जो है वो पेपर पट्टी वो मैंने कट कर ली है। अब ये कपड़ा है मेरे पास, कपड़े के ऊपर मैं इसको पेस्ट करने वाली हूँ। इस तरह से मैंने इसको रखा और उसके बाद यहाँ से मैंने आयरन की मदद से इसको प्रेस कर लिया। अब यहाँ पे मैं इसकी साथ साथ करके जो है वो सिलाई लगा लूँगी। अब मैंने इसकी सिलाई लगा ली है, अब यहाँ से मैं इसको पलट लूँगी। अब ये सारे को पलट के तो मैंने आयरन की मदद से इसको प्रेस कर लिया है। अब ये मेरे पास से एक जो मेरे पास शर्ट है, मेरी जो शर्ट है इस ट्राउजर के साथ, वो उसका कपड़ा मैंने लिया। आप अपने जो ट्राउजर से हटके किसी भी कलर का कपड़ा ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरह से प्लेट्स जो है वो डाल लूंगी। इस तरह से देखें, थोड़ा सा आपने दरमियान से गैप देना है, और किस तरह से एक हिस्सा आपने अंदर वाली साइड पे और एक हिस्सा बाहर वाली साइड पे, इस तरह से आपने रख के तो इसकी प्लेट्स जो है वो डालते जाना है। ज्यादा जोड़ के प्लेट्स ना डालें, बल्कि थोड़ा थोड़ा हटके वक्फे से प्लेट डालें। और प्लेट्स जितनी आपने इसकी विड्थ रखनी है वो भी 1 इंचेस रखनी है, ज्यादा नहीं। ये मैंने सारी प्लेट्स डाल ली हैं, कंप्लीट कर लिया है, ये देखें। अब जो मैंने पहले से डिजाइन बनाया हुआ था उसके साथ मैं इसको लगा लूंगी, अटैच कर लूंगी इसके साथ। तो ये यहाँ पे इसको इस तरह से रखूंगी,
इस तरह से मैं अटैच करूंगी, आपको दिखा देती हूँ सिलाई करके। ऊपर वाली साइड से बिल्कुल हल्का हल्का जो है वो वक्फा दूंगी, ज्यादा मैंने गैप नहीं देना है इसका। और यहाँ से ये ट्राउजर है मेरा, और इस ट्राउजर को, इसका जो नीचे वाला हिस्सा है इसको यहाँ से हल्का सा फोल्ड कर लूंगी। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे रख के उसकी यहाँ से सिलाई लगा लूंगी। ये सिलाई लगा ली है और ट्राउजर को डिजाइन के साथ मैंने अटैच कर लिया है। अब इस डिजाइन के ऊपर ये देखें सही से इसके साथ अटैच हो चुका है। अब इसके ऊपर कौन सा हम डिजाइन बनाने वाले हैं, बहुत ही आसान सा डिजाइन है। देखें इस तरह से मजबूती के साथ पहले आप अटैच कर लें इसको। ये मेरे पास मोती हैं वाइट कलर में, बिल्कुल देखें लाइट सा ट्राउजर का कलर है, और मैंने इसके साथ वाइट कलर के पर्ल जो हैं वो सिलेक्ट किए हैं। दोनों साइड बिल्कुल हल्का सा आपने आगे वाली साइड से बिल्कुल सिलाई लेनी है, पूरा आपने फोल्ड नहीं करना है। ये देखें इस तरह से मुड़ के अब यहाँ पे मोती रखेंगे। और इस मोती को इसके साथ अच्छी तरह से मजबूत कर लें। अब इसी तरह से बाकी मोती भी आप लगा के हल्का हल्का आप इसको कर लें। मैंने ये वाला सेम डिजाइन एक ड्रामे में देखा था, एक एक्टर को पहने हुए, तो मुझे बहुत पसंद आया। मैंने सोचा क्यों ना आपको भी ये डिजाइन बना के दिखा दूं, ताकि आप भी ये डिजाइन पहने और बहुत ज्यादा खूबसूरत लगे। आप इसको किसी भी कैजुअल फंक्शन पे ये बना के पहन सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर जरूर करें।